हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक वॉलपेपर एप्लीकेशन शेयर करने जा रहा हूँ। इस एप्लीकेशन की खास बात यह है कि इसको गूगल ने खुद डेवलप किया है, मीन्स कि गूगल की अपनी वॉलपेपर की एप्लीकेशन है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, तो आइए इस एप्लीकेशन को ओपन करके देखते हैं। ओके, ये देखें आप, ये इसका एक क्लीन सा इंटरफेस है जिसके अंदर मेरे अपने डिवाइस के अंदर जो वॉलपेपर्स मौजूद हैं या मेरी डिवाइस की फ़ोटोज़ जो हैं उनको ब्राउज कर सकता हूँ। इसके अलावा ये देखिए कि डिफरेंट वॉलपेपर्स के जो कैटेगरीज हैं वो यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं। इन कैटेगरी से मैं वॉलपेपर सेलेक्ट करके तो यूज़ कर सकता हूँ। ये कैटेगरीज आपको देखने में ज़्यादा नहीं लग रही होंगी, लेकिन इनके अंदर मौजूद तमाम वॉलपेपर जो हैं वो काफ़ी यूनिक और अच्छी रेजोल्यूशन के हैं और ये आपके मोबाइल किसी स्क्रीन को एक काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपके मोबाइल में एमोलेड स्क्रीन है तो ये उसकी काफ़ी ज़्यादा जो पिक्सल्स हैं उनको काफ़ी अच्छी तरह यूटिलाइज़ करते हैं। ये देखिए, जैसे ये कैटेगरी है इसको मैं ओपन करता हूँ तो इस कैटेगरी के अंदर मौजूद तमाम वॉलपेपर जो हैं वो मेरे पास यहाँ पर लोड हो जाएंगे। जैसे मैं इस वॉलपेपर को ओपन करता हूँ, ओके, तो ये वॉलपेपर मेरे पास ओपन हो चुका है। ये देखिए, इसके अंदर ये नीचे जो है आपको बता रहा है कि इमेज ये कहाँ से लिया गया है। इसको आप एक्सप्लोर करना चाहें तो ये आपको वेब पर भी ले जाएगा जहाँ से ये सोर्स फाइल ये इमेज जहाँ पर पड़ा हुआ है। इसके अलावा इसकी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, डाउनलोडिंग की ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। जब आप इसको सेट एज वॉलपेपर ही कर सकते हैं तो ये आपसे उस टाइम सिंपली पूछ लेगा कि इसको अपने होम स्क्रीन पर यूज़ करना है, लॉक स्क्रीन पर, या दोनों स्क्रीन्स पर सेम वॉलपेपर रखना है। ये ऑप्शन ये आपसे पूछ लेगा। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर देखें तो यहाँ पर लाइव वॉलपेपर्स का भी एक टैब मौजूद है जिसके अंदर ज़्यादा वॉलपेपर्स तो नहीं मौजूद, लेकिन ये डिफरेंट जो मोबाइल के अंदर वॉलपेपर एप्लीकेशन हैं उनको यूज़ करते हुए भी वॉलपेपर्स शो करवा देगा। इसकी अपनी कोई सेटिंग्स नहीं है। तो आई होप आपको आज की एप्लीकेशन पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।